हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारों से संबंधित नहीं है और इसके चार ऑप्शंस हैं, ये गिवेन है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, कौन कौन सी पॉइंट्स यहां पर डिस्कस होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग गांधीवादी जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 40 हो गया, अनुच्छेद 43 हो गया, अनुच्छेद 46 हो गया, और अनुच्छेद 47 हो गया, और अनुच्छेद 48 हो गया। इतने अनुच्छेद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में देखो ये सभी के सभी अनुच्छेद किससे रिलेटेड हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। इसलिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो फ्रंट के क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मान लीजिए अगर आ जाए तो मैक्सिमम लोग उसको हो सके ना कर पाए, ऐसे भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा, हो सके इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा लोगों को ना पता हो। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के प्राण किसने कहा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप किसने तैयार किया। इस तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बस साथ बने रहिए। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा, और साथ में अगर मान लीजिए आप सारी चीज़ें पढ़े भी हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज रिवीजन मस्ट नेसेसरी है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि वही चीज़ें एक महीना पहले पढ़े हैं और देन एक महीने बाद आप उसी का नंबर आप ले आ रहे हैं, तो पता चलता है कि यार ये ऐसे ऐसे फीलिंग आती है कि यार ये तो पढ़े ही नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें ना हो उसके लिए आप रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन को दीजिए और नए कंटेंट के लिए भी टाइम निकालिए। ठीक है, या तो बराबर इक्वल बांट लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं क्या है पॉइंट्स हैं। तो देखो कुछ है जो जनरल पॉइंट है जो सबको पता होगा। देखो इंग्लिश में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, इसको किस भाग में रखा गया है, तो इसको भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 to 51 तक है। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होगी। और आई थिंक आपको ये भी, ये देखो ये एक आसान सा क्वेश्चन ये भी है कि किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया। अभी तक तो कोई खास बढ़िया क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हो सकता है कि आपकी रैंकिंग बनवा दे, रैंक बनवा दे। हो सकता है कि आपको ये अगर कट ऑफ गड़बड़ हो रहा है तो आपको कट ऑफ के पार पहुंचवा दे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप इस तरह के क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स बनाकर रखा करिए। एग्जाम से पहले जब भी जाइए तो शॉर्ट नोट से ही रिवाइज कर कर जाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट ईजिली रिवाइज हो जाएगा, और उसमें वही क्वेश्चन रखिए जो नॉर्मली आपको जल्दी याद नहीं होते हों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, अंबेडकर के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि अनोखी विशेषता किसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के प्राण किसने कहा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी यहाँ मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठाकुर दास भार्गव द्वारा। क्या कहा गया, यानी ठाकुर दास भार्गव द्वारा क्या कहा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का प्राण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यानी भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तेज, व्हाट आर यू राइटिंग मैन, तेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। तो कौन हो जाएंगे अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों का,
अगर तो बात ही संविधान का प्रारूप पूछेगा तब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ बोला कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसके प्रारूप को किसने तैयार किया, तब तेज बहादुर सप्रू आएगा। इनसे रिलेटेड IAS 2020 में एक क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आते हैं, अब एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 40 से। ठीक है, तो आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 क्या बोलता है। अनुच्छेद 40 राज्य को ये सुझाव देता है, ये सजेशन देता है कि राज्य अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में क्या करे, ग्राम पंचायत का गठन करे और उन ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ प्रोवाइड कराए ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जितने भी अनुच्छेद हैं वे राज्य को सिर्फ सजेशन दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि राज्य को ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, और राज्य उसे मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि मूल कर्तव्य मूल फंडामेंटल राइट जो होते हैं, अगर राज्य नहीं दे रहा है तो हम उसके लिए कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अगर ये राज्य हमको नहीं दे रहा है तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। इस बात को साफ साफ लिखा गया है अनुच्छेद 37 में लिखा गया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ग्राम पंचायत देखो यहाँ पर क्या सजेशन दिया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी समितियाँ बनाई गई, बहुत सारी समितियाँ बनाई गई। और ये सभी समितियाँ क्या क्या टाइम टू टाइम अपना रिकमेंडेशन सरकार को देती गई। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1992 में क्या किया गया, 1992 में क्या किया गया, एक संशोधन किया गया जो किस संशोधन के नाम से जाना गया, 73वां संविधान संशोधन जाना गया। कौन से संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। और इसमें ये कब किया गया था, तो 1992 1992 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। कौन सी, 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। और इसमें क्या रखा गया, तो इसमें ग्राम पंचायत रखा गया। क्या रखा गया, ग्राम पंचायत। ठीक है, और इस ग्राम पंचायत के लिए कितने विषय रखे गए, तो कुल 29 विषय बोले तो सब्जेक्ट्स इसके डिसाइड किए गए। ठीक है, अच्छा, यानी ग्रामीण अनुसूची, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी चार, देखो इस समय कितनी है, 12 है, यानी चार जोड़ी गई हैं। देखो 1991 में जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, फिर 10वीं ग्रामीण, तो उसी ग्रामीण में है। 1992 में ग्रामीण जोड़ी गई थी, 1992 में ही 12वीं जोड़ी गई थी, जो शहर शहर से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत है, वहाँ शहर में यानी नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो इसमें इसमें देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत के किन राज्यों में पंचायती राज नहीं है। देखो इस समय क्या है कि भारत के सभी राज्यों में लगभग लगभग क्या है, पंचायती राज सिस्टम है, क्योंकि देखो संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। कब मिल गया, 1992 में मिला, कौन से संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि सभी गाँव ने, सभी स्टेट्स ने, सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ क्या करने लगा, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने लगा। ठीक है, लेकिन इन सब में भी अभी भी तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पंचायती राज नहीं है, और वो कौन कौन से हैं, तो वो है नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुआ है, तो हो सकता है कि उनके लिए ज़्यादा मतलब ये उन सब उन लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ पर पंचायत राज्य नहीं है। तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या है, पंचायत राज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। चलो अब ये तो हो गया, इनसे रिलेटेड और कौन वर्ड तो छूट नहीं रहा। अब हम आप बात कर लेते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में, यानी 41 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि राज्य ना, यानी देखो कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य लोगों की मदद करेगी। किस तरीके से मदद करेगी, मतलब मदद करना चाहिए। देखो राज्य के नीति निदेशक तत्व में हर जगह चाहिए शब्द जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को मदद करना चाहिए। अब वो विशेष परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं, कोई जैसे इस समय क्या है, देखो इस समय कोविड चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड-19 इस महामारी है। तो अब ये महामारी में क्या हुआ कि लोगों के पास देखो ना तो नौकरी है, ना तो मतलब
बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं। तो क्या होगा अब इसमें, क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वीमेन को क्या कर रही है, 500-500 रुपये देने के काम कर रही है। हर महीने 500 दे रही थी, पिछले साल की बात कर रहे हैं। अब और क्या कर रही थी, साधन उपलब्ध करा रही थी, देखो खाने का अनाज उपलब्ध करा रही थी, अनाज। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है गवर्नमेंट, हेल्प कर रही है लोगों को। कुछ विशेष परिस्थितियां, इसमें विशेष परिस्थितियां चल रही हैं, तो लोगों को हेल्प कर किया जा रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, मतलब ये सुझाव देता है अनुच्छेद 41, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 के बारे में। अनुच्छेद 43 क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी। कर्मकारों का मतलब होता है जो काम करने वाले होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, काम करने वाले। यहाँ पर खासकर ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मेंशन किया जाए। तो यहाँ पर हम मेनली एक मजदूर को मेंशन करते हैं, किसको, जो लेबर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको अगर हम बात करें तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस समय 350 रुपये लगभग पर डे के, पर डे उनका वैक्स फिक्स की है, ठीक है, पर डे वैक्स, ठीक है। कितने फिक्स की है, 350 रुपये फिक्स की है। अब इसमें क्या है कि देखो कंपनी क्या करती है, तो उनको इतना मिलना चाहिए। ये निर्वहन मजदूरी है कि मतलब अगर जो कर्म जो लेबर हैं, अगर उनको 350 रुपये पर डे मिल रहा है, तो क्या होगा, तो उनको उनका जो गुजर बसेरा है, दैनिक दैनिक जीवन का जो उनको उनका खर्च वगैरह ये सब है, आराम से उनका चल जाएगा, ठीक है। तो ये सुविधाएं किसमें रखी, इन्हीं सब चीज़ों को किसमें रखा गया, 43, अनुच्छेद 43 में रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या गया, राज्य को मतलब ये चीज़ें करने के लिए कहा गया, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं मान लीजिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये मजदूरी उन जो मजदूर होते हैं उनको नहीं मिल पाती है। जैसे क्या हुआ, मान लो कंपनी कंपनी या 5 लोगों की ज़रूरत है, कंपनी ने 5 लोगों के लिए क्या किया, एक ठेकेदार को चूज कर ली। किसको चूज कर ली, ठेकेदार को, ठीक है। अब ये ठेकेदार क्या किया, आया ऐसे जगह आया जहाँ पर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं इकट्ठे, ठीक है। अब यहाँ पर आया, अब इसने क्या किया, यहाँ से लोगों के लिए पैसे के लिए डिमांड, मतलब आया और 5 लोगों की डिमांड है, तो ये देखो ये आया, कहा कि 200 पर डे देंगे, 200 पर डे देंगे। तो अब ये 200 पर डे पर इनमें से कई लोग तैयार हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई अगर जिसको पैसे की ज़रूरत है वो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ से लोग तैयार हो जाते हैं और ले जाकर ये कंपनी में लगा देता है। तो यहाँ से ठेकेदार को कितने का फ़ायदा हो जाता है, देखो तो मान लो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेकर बोला, इतने के फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। कुछ हरामी होते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। लोगों को अवेयर करना चाहिए, और कंपनी को भी इस तरीके से एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। अब वो ठेकेदार हायर करती है, फिर वो जाते हैं लोग यानी वैक्स हायर करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिलहाल ये मुद्दा नहीं है। अब एक अनुच्छेद 46 है, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें देखो इसमें कहा गया है कि देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के लिए यानी इनकी किस चीज़ों पर ध्यान देना है, शैक्षिक तथा आर्थिक सहायता में ध्यान देना है, ठीक है। मतलब देखो अगर जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई जनजाति क्या है, शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है, मतलब वहाँ पर शिक्षा वगैरह शिक्षा का माहौल बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल नहीं है, तो उन जगहों पर राज्य को ही क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और राज्य को कोई नई पॉलिसी किसी भी तरीके से वहाँ पर लागू करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं क्या हो सके, उठ सकें, ऊपर उठ सकें, और एक बार उनको पुशअप मिल जाएगा यानी एक बार उनको मदद मिल जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 46 में ये बातें कही गई है। और अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, शराबबंदी से रिलेटेड बात कही गई है। देखो शराबबंदी नहीं, जितने भी टॉक्सिक, जो भी टॉक्सिक मतलब जितने भी टोबैकोज प्रोडक्ट हैं, जितने भी टोबैकोज प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बात यहाँ की गई है। जितने भी टोबैकोज प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, इन सबको बंद करने के लिए बात की गई है। जितने भी ड्रिंकेबल प्रोडक्ट हैं, इन सबको भी बैन करने की बात की है। मैंने यहाँ पर शराब इसलिए लिखा रखा है क्योंकि 47 से शराब, आप इसको याद रख सकते हैं, 47 से शराब, 47 से शराब, इस तरह से रिलेट कर लेंगे, तो हो सकता है कि आप दो एक दो महीने बाद आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मिल जाए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 48 में क्या है, गौबद्ध है, गौबद्ध यानी गौ का, गौ की हत्या पर रोक लगाया गया है। बस इसमें इतना ही रखते हैं, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करना, ये सब एक्टिविटी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्यों, क्योंकि देखिए आपका तो ये सब किस क्या है, फिंगर टिप्स है।
तो जितना ज़्यादा आप लोग एक्टिविटी करेंगे, इस तरह की एक्टिविटी दिखाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन जो होता है ना, पढ़ाते समय बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।